वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए मैंने बनाए हैं चीले। किस चीज़ के हैं आगे आपको बताऊंगी। बच्चे और बड़ों दोनों के लिए ही बहुत ही हेल्दी टेस्टी हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फरीदाबाद व्लॉगर चित्रा। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड लग रही है मुझे भी, इसलिए मैंने अपने आप को पूरा पैक किया हुआ है। शॉल वगैरह ले लिया है, स्टॉल वगैरह। और सुबह के बज रहे हैं 10। और जैसे कि आपको पता है, युग को कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने आपको बताया था उसको अभी क्लियर नहीं है, एलर्जी है या फिर इन्फेक्शन है। उसको रेड रेड दाने हो गए हैं, उसको डॉक्टर से दवाई लाए थे और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है। और सच में मतलब मैं ये जो ब्लॉगिंग है सच बता रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है करने का, बट फिर भी कर रही हूँ उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो मुझे इतना मिस करते हो, पूछते हो युग कैसा है, आप कैसे हो, उनके लिए। तो इसलिए मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद युग की कैसी तबीयत है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रखी है, कैसे मैं उसकी केयर कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ और करूँ। और दूसरा, युग को स्कूल जाने से भी डॉक्टर ने मना किया है कि उसको स्कूल मत भेजिए, और हमें भी लग रहा था कि इसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए हमें। तो अभी एक हफ्ते के लिए तो मैं इसको स्कूल बिल्कुल नहीं भेजूंगी, और घर में इसको जो टाइम मिलेगा, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको पढ़ाऊंगी। तो वैसे मैं इसको ज़्यादा पढ़ने के लिए भी फोर्स नहीं कर रही हूँ, तबीयत इसकी ठीक नहीं है अभी। मतलब उसने हाथ भी बस ऐसे ही किए हुए हैं, बिल्कुल नहीं हिलाता है। मैं आपको दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहूंगी, जो कि मैं युग के लिए अभी डॉक्टर ने जो बोला है, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्चुअली ध्यान ना इधर उधर जा रहा है इसलिए बातें भी इधर उधर हो रही हैं। एक्चुअली मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं युग के लिए बनाऊंगी अभी मॉर्निंग में, क्योंकि युग को जो है ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं देनी है। पहले भी नहीं देती थी बट अब बिल्कुल नहीं देना है। बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है, जैसे बिस्किट वगैरह या और कुछ, कोई भी जैसे स्नैक्स वगैरह, जैसे बच्चे कोई भी बाहर की चीजें वो नहीं खानी है युग को। जैसे थोड़ी वगैरह बाहर की चीजें वैसे तो हम देते ही नहीं थे, तो बट जो ये स्नैक्स वगैरह थोड़े से ले लेता था, जैसे ओएस हो गया और कुरकुरे में ही जो बिना मिर्च मसाले वाले आते हैं वो मैं इसके लिए ला देती थी, स्नैक्स, टॉफीज हो गई, चॉकलेट हो गई, तो वो सब इसको नहीं खानी है। तो बिल्कुल बंद है, तो इसीलिए मैं घर में ही ट्राई कर रही हूँ उसके लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें बनाने की जो इसको पसंद आती हैं। तो वही रेसिपी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़रूरी नहीं है ये बीमार ही में ही दे हम बच्चे को। मैं युग को वैसे भी बना के दे देती थी घर में बना के, तो वही मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ें खिला सकते हैं बना के। अगर आपको बच्चे को अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस प्लीज़ आप लोग प्रे करना युग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसको रोते हुए देख के ना सच में मुझे रोना आ जाता है। मेरे हस्बैंड का हाल भी यही था, बट मेरा उनसे ज़्यादा था, क्योंकि इसका रोना मेरे से देखा नहीं जा रहा था। जब मैं दवाई भी लगाती हूँ, इसको लोशन लगाने को दिया है डॉक्टर ने, क्योंकि इसको खारिश बहुत होती है, खुजली बहुत होती है उसमें, इसलिए। तो अब टच फुट जब से वो लोशन लगा रहे हैं तो खुजली तो इतनी नहीं हो रही है। तो इसको जब मैं लगाती हूँ तो सच में मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं इसका रोना देख के। अब मुझे समझ में आता है कि मुझे कुछ हो जाता था तो मेरी मम्मी को क्यों इतना ऐसा लगता था। और अभी भी मेरी मम्मी ब्लॉग देख रही होंगी शायद, और कल भी मैंने जब लाइव में बोला था तो तुरंत उनका फोन आ गया था कि क्या हुआ क्या हुआ युग को। तो मैं सारी चीजें मम्मी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि मम्मियाँ जो है ना चिंता करती हैं। अब वो वीडियो देखेंगी तो जरूर पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे भी एक बार कुछ प्रॉब्लम हुई थी शादी से पहले, तो छोटी मोटी बीमारी हो ही जाती है, तो मेरी मम्मी भी रोती थी ऐसे ही कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, ये वो। मेरी मम्मी ने भी मेरा बड़ा ध्यान रखा था उस टाइम पे, सभी ने ध्यान रखा था बट मम्मी ने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा था, एक एक चीज एक एक दवाई टाइम पर।
चलिए फिर रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि उसको नाश्ते में मैं यही देने वाली हूँ। और हस्बैंड जी जो है ऑफिस जा चुके हैं, तो अब युग और मैं ही हैं। जब ये सोकर उठेगा तो इसके लिए बनाऊंगी मैं, और बस यही आप लोगों से शेयर करना था मुझे कि इसको जो है युग को रोते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो माएँ देख रही होंगी मेरे ब्लॉग को वो समझ सकती है मेरी फीलिंग बड़े अच्छे से। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइज, आधे घंटे बाद जो है युग भी उठ गया था और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और ये है रवा सूजी, जिसे आप रवा और सूजी दोनों, कोई लोग सूजी बोलते हैं कुछ लोग रवा बोलते हैं, तो ये मैंने ले लिया है 1.5 कटोरी। और इसके साथ जो है मैं दही लूँगी 1 कटोरी दही, जिसमें जो कि इसमें मिक्स करेंगे, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करते हैं, दही ऐड करते हैं जिससे कि ये फूल जाती है और बड़े अच्छे चीले बन के आते हैं। और इसको जो है इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और मसाले जो भी आप डालना चाहें, मैं युग के लिए बना रही हूँ तो बिल्कुल नाम के लिए मिर्च होगी इसमें और नमक होगा, थोड़ा सा धनिया पाउडर होगा बस, इसके अलावा और कोई मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो देख सकते हो आप, नमक डाल रही हूँ अभी मैं और धनिया पाउडर और मिर्च मैंने डाल दी है ऑलरेडी। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी धीरे धीरे दही डालते हुए, इसको मतलब बिल्कुल बराबर का रेशो रखना है हमने, और जितनी दही होगी उतना ही हमने रवा लेना है। अगर आप उतना रवा नहीं लोगे जितनी दही होगी तो फिर ये अच्छे से बनेंगे नहीं, चीले चिपक जाएंगे तवे के और वो मज़ा नहीं आएगा जैसे, और वैसे नहीं बनेंगे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में चीले दिखाए थे। तो इसको अच्छे से घुमाएंगे हम, एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे जिससे फूल जाएगी ये। और अब जो है मैंने 10-15 मिनट बाद ही इसको लिया है और फिर से एक बार फेटा है और गैस ऑन कर ली है। और गैस जो है मेरी अभी साफ़ नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में मैंने खाना बनाया था, तो मैंने सोचा कि जब युग के लिए ये बनाऊँगी तो उसके बाद इकट्ठा मैं गैस को साफ़ करूँगी। तो रोटी बनाते हुए आटा वगैरह गिर ही जाता है गैस पे, और ये ब्रश की हेल्प से, सिलिकॉन की ब्रश है उसकी हेल्प से मैं तवे पर ऑयल लगाऊंगी। तो ऑयल फ्री बना रही हूँ मैं, बिल्कुल नाम के लिए ऑयल बना रही हूँ, के लिए चीले बना रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने युग को मना किया है और जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए भी बहुत हेल्दी है। तो इस तरीके से मैंने जो है रवा लिया है, जो बैटर हमने बनाया था उसको मैंने डाला है और चम्मच की हेल्प से मैंने उसको सारे में फैला दिया है। धीमी गैस कर रखी है मैंने, और धीमी गैस पे आप बनाएं, अभी मैंने देखी तेज़ की हुई है, सॉरी मैंने धीरे बोला, अभी मैंने तेज़ की हुई है तो तेज़ सही नहीं होती है, धीमी करिए इसको। और साइड में जो है मैंने ब्रश से थोड़ा सा तेल लगाया था, अभी स्टार्टिंग है तवा उतने अच्छे से ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है और स्टार्टिंग का पहला जो है थोड़ा इस तरीके से बनता ही है, आप आगे आगे देखना कितने सुंदर बनेंगे। तो पहला जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा चिपक रहा था, तो इस तरीके से मैंने फिर ऑयल लगाया है। तो अब जो है इसको यहाँ से सिकने देंगे और उसके बाद जो है फिर से पलट देंगे इसको इस तरीके से। अभी ये चिपक रहा है, आगे वाले जो बनेंगे वो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, हल्के हल्के चिपकेंगे। और जो बिल्कुल लास्ट वाला बनाया था वो तो बिल्कुल नहीं चिपक रहा था क्योंकि ऑयल ऑलरेडी तवे पे लग जाता है, तो ऑयल कम लगा रही हूँ इसीलिए थोड़े से चिपक रहे हैं ये। तो ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा लिया है पहले के अकॉर्डिंग। तो अब जो है मैंने दूसरा भी फैला लिया है, गोल शेप में कर दिया है चम्मच की हेल्प से। तो गाइस ये बहुत टेस्टी लगते हैं, दही हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है और दही के ऊपर आपकी दही खट्टी है या मीठी है, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। अगर नहीं कभी बनाया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो युग को मिर्च मसाले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिर्च मसाले उसके बंद हैं, तो इसीलिए मैंने ये बनाया है क्योंकि मैं बाहर की चीज़ नहीं दे सकती हूँ, तो एटलीस्ट मैं घर में कुछ उसको अच्छा सा बना बना के देना चाहती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से छींटे पड़ गई हैं साइड में पलटते हुए, उसको भी हम ऐसे कर देंगे और अंदर की तरफ ही ले लेंगे। तो इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे साइड में, और कुछ लोगों को लगता है ये ब्रश जो है जल जाती है सिलिकॉन की, तो ये सिलिकॉन की है, ये जलती नहीं है, स्पेशली ये इसीलिए बनाई गई है। तो इस तरीके से मैंने पलट लिया है और दोनों साइड से सेक लेंगे हम अच्छे से। तो ये मैं प्लेट में रख दिया है मैंने, और अभी युग अपने आप तो खा नहीं सकता है, उसके हाथों में प्रॉब्लम हो रही है,
तो मैं ही उसको खिलाऊंगी, और थोड़ी देर बाद में खाना खिलाने के बाद मैं जो उसको दवाई भी लगाऊंगी, तो आपको मैं दिखाऊंगी कैसे रोता है वो, कैसे मतलब क्या हालत है उसकी अभी। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, साइड से बिल्कुल हल्का सा लिया है मैंने, और एक बार में ही पलट जाएगा, थोड़ा सा ये पलटते हुए टूट गया, वो सेट हो जाता है बाद में, पलटे से मैंने उसको दबा दिया है। तो इस तरीके से सारे बन गए हैं। युग ने एक रोटी खाता है वो, पर ये उसने डेढ़ खा लिया था, तो बहुत टेस्टी लगता है युग को ये। तो ये इस तरीके से बन के आए हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। बस बेटा चुप, बस 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 बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हो गया ये? बस 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 मेरा बेटा, बस बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पैरों पे भी लगा दिया मम्मा ने। बस बस मेरा बेटा, बस।